तो हेलो पबजींस, क्या हाल चल आपके? तो स्वागत है आप सभी का दो वर्सेस स्क्वाड की दो गेम प्ले वीडियो में। और आज यार अपन जा रहे हैं, शायद स्टेडियम जा रहे हैं, देखो बड़े दिनों बाद। और स्टेडियम भाई अब क्या कहते हैं उसे, हॉट ड्रॉप हट चुका है भाई। सच में पायलट प्लाजा बंदे भर भर के जाते हैं, लेकिन इस बार एक्यूरेट था तो मैंने सोचा चल के देख लेते यार एक बार, क्योंकि भाई आज भी काफ़ी मैचेस में पायलट प्लाजा गया और भाई बंदे मारे, लेकिन वो क्या है ना, गेम फिनिश नहीं हो पाया। अब देखो ये वाली वीडियो मेरे को जल्दी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो मैं थोड़ा अपलोड करने में लेट हो चुका हूँ और बारिश आने वाली है। तुम्हें पता है शायद, क्या पता जब तुम ये देख रहे हो बारिश आ रही हो, तो भाई तुम्हें पता है बारिश आने के बाद इंटरनेट की कतई लग जाती है, तो इसलिए भाई मेरे को जल्दी बनानी पड़ेगी वीडियो, जिससे कि जल्दी एडिट करके इसे अपलोड कर सकूँ। अब देखो यहाँ पे हम उतर गए थे और हमें लग रहा था कि बंदे नहीं आए, बट बंदे ज़रूर आए थे यार। अब देखो बास्केटबॉल कोर्ट में तो गन मिली नहीं और भाई बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं आसपास, और लकीली भाई यहाँ पे यूज ही मिल गया। अब देखो उस बंदे को मैं ढूंढूंगा कुछ करके, क्योंकि बंदे भाई पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, और काफ़ी बढ़िया टीम लग रही थी मेरे को ये। और मेरे टीममेट को भाई M16 के तुम पिस्टल दे दो, निहत्ता छोड़ दो भाई, फिर भी 200 मीटर दूर से तुम्हारा किल चुरा सकते हैं यार, ये ताकत है इस बंदे में। अब देखो यहाँ मैंने स्कारल उठा ली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये M16 से ही मरे। भाई साहब यार इतना मस्त किल मेरा चोरी कर लिया, इसलिए मैंने जल्दी स्कारल उठा लिया। अब देखो यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं सामने की तरफ और बंदा होता है यहाँ पे। और अब इसे नॉकआउट करने के बाद क्या बोल रहा हूँ मैं, इसे नॉकआउट करने के बाद भाई इसके टीममेट के भी फुटस्टेप्स आए काफ़ी तगड़े वाले, और इनकी पूरी टीम खत्म यहाँ पे। और भाई अहिर को ले गया बंदा अपने, जहाँ से मैं ले गया, कोई नहीं भाई रिवाइव करेंगे अपने टीममेट है। और अब यहाँ से निकलते हैं हम बंदों की तरफ। अब देखो स्टेडियम से निकल के हम यहाँ पे डाशिया लेने आ गए हमेशा की तरह, क्योंकि उस तरफ तो भाई गाड़ी कभी भी स्पॉन नहीं होती। अब देखो यहाँ पे आपको एक टू व्हीलर दिखेगी, टू व्हीलर मतलब बाइक या फिर शायद थ्री सीटर थी। क्या स्पीड में भाई बंदा गया, और देखना यहाँ पे दो ही बंदे थे, हमें लगा तीन बंदे हो सकते, तो थोड़े अलर्ट रहते हैं, बट नहीं। और इसे नॉकआउट करते मैंने भाई तुरंत अहिर से बोला कि जल्दी अंदर चले यार, हो सकते हैं आसपास इनके दो इनके टीममेट्स हो और गलत सीन हो जाएंगे ओपन में बिल्कुल, तो अंदर चलते हैं। बट इनके टीममेट्स नहीं होते आसपास, हमें इन्हें पूरा किल करना पड़ा था, और भाई अच्छी तरह लेंगे इनकी लूट। अब हम यार बंदों की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, और घूमते घूमते हम यहाँ पे थर्डल की तरफ आ गए। और अब देखना भाई, मैं एक बग्गी की साउंड आई, और देखो भाई बग्गी की एंट्री देखना। मुझे पता है इतनी कुछ खास नहीं थी, बट जो भी हो यार बंदा मैंने नॉकआउट कर दिया, ब्रश तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इसका टीममेट गाड़ी चला रहा था बग्गी, वो भाई बचाएगा तो सरीना अपने टीममेट को, तो इसलिए हम कर देते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रश। Enemies ahead. यहाँ पे एक और बग्गी है वहाँ पे, चल जल्दी चल।
और शायद इस बंदे की बग्गी में से भाई धुआं या फिर आग भी निकल चुकी थी। तो अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रश कर देता हूँ और अहिर भाई साहब ने भी परमिशन दे दी थी कि जा भाई ले ले तो किल, कंटेंट बना। और भाई साहब करते भी क्या यार, इसके पास M16 थी और देखो यहाँ पे मेरे को फ्लेयर मिली तो मैं एकदम से खुश हो गया कि भाई पैसा ही पैसा होगा, लेकिन नहीं यार इसके पास एमओ नहीं थे और ये लोग भाई पहले ही फ्लेयर छुटा चुके थे। अब देखो मेरे पास 7 की कमी थी M7 के एमओ की, तो यहाँ पे मेरे को मिल गए और अब चलेंगे बाकी बंदों की तरफ। अब देखो डाशे लेके हम थर्डल से निकलने लगे और मेरे को लग रहा था कि हाँ शायद पीछे बंदे हैं, लेकिन हमने सोचा चलते हैं, लेकिन तभी भाई पीछे से शॉट्स हैं और अब देखेंगे इस बंदे को। और भाई साहब बंदा बिल्कुल मेरे साथ नीचे लैंड करा और बता देना भाई ये सीन थोड़ा बहुत तो तुम्हें जरूर मस्त लगा होगा। देखो मेरे को तो बहुत मस्त लगा था जब मैं गेम खेल रहा था। अब देखो हमें लगा कि शायद आसपास और भी बंदे हैं, बट ऐसा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा प्रोन होगा कि क्या पता बचाव हो जाए। अब देखो जल्दी से बैंडेड बुंडेड पाड़ेंगे और निकलेंगे ऐसे। अब देखो हम आ चुके थे यहाँ पे सेंट्रल रोड के पास वाले इस एरिया पे और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बंदे मिल जाते हैं भाई। देखो सच में मिलते हैं और मिलेंगे इस बार भी, और गेट रेडी फॉर द क्लच। और यार स्टार्टिंग बंदा क्या टेलीपोर्ट हुआ भाई साहब, मैं सोचा था कि बंदा नॉकआउट हो जाएगा गाड़ी से, बिल्कुल ईजी हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन नहीं भाई बंदा तो कहीं फुर हो गया। और बंदों को मारने के बाद और बंदों की तलाश हमने जारी रखी और देखो यहाँ पे मेरे को एक बंदे का सर दिख गया, तो मतलब बंदा ही है ना यार, बोट तो मेरे को लग नहीं रहा था। और ये बंदा तो कतई नूब था भाई, मतलब सच में। और देखो यहाँ पे अपने नेड से नॉकआउट हो गया मैं, और तुमने देखा ना भाई मतलब इसने कितनी लेट M249 चलाई थी और मेरी AKM का तो कुछ असर ही नहीं हुआ भाई, M249 से कितना लो हो गया मैं। और जब मैं M249 चलाऊंगा ना भाई तो पूरी 20 क्या 25 गोली भी लग जाती है कभी कभी तो बंदे को मारने के लिए। मतलब पबजी क्या सीन है यार, हैवी में सिस्टम फिर भी भाई इतना तो नहीं होना चाहिए। और अब देखो लास्ट बंदा बच रहा था तो मैं कतई बिल्कुल फ्री हो रखे थे कि हाँ इजी ले लेते हैं, और अहिर ने कहा कि अब मेरे को मारने दे भाई, देखा आखिरी बंदा बहुत बन लिया कंटेंट, मैं मारूंगा। और हमने सोचा था कि पैन से मारेंगे दोनों मिलकर, लेकिन बंदा था अहिर की तरफ, तो वो भाई देखो तुम
बस कर दे भाई। Who are giving up in the real world. I don't want to die.